हाँ वो मैं बोला उनको। अच्छा लग रही है आपको? हाँ दादा ये दीवार है, हाँ दीवार के लिए। अरे आने नहीं मिला तारा में नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम दलीप ताहिल है। आज बहुत बहुत दुख हो रहा है कि अमीन साहब गुजर गए हैं, लेकिन एक अमीन साहब को जो भी जानता था एक खुशी भी होती थी। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा सौभाग्य था उनके साथ उनको मिलने का अपनी ज़िंदगी में। अमीन साहब के प्रोग्राम हम सुनते थे जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था। बॉम्बे आने के पहले लखनऊ में हम गीतमाला सुनते थे और मैं हमेशा उनकी आवाज़ सुन के मुझे बहुत सुकून बहुत आनंद आता था और खूब मज़ा भी आता था। और फिर ऐसा हुआ कि जब मैं बॉम्बे आया तो मैं उनके ही थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ गया। एलेक पदमसी साहब जो इनके रिश्तेदार थे, तो हमारा ग्रुप एक ही हुआ करता था। और फिर मुझे अमीन साहब से मिलने का मौका मिला, उनसे मुलाकात हुई और मैं आप ये कह सकता हूँ कि इतना बढ़िया आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं, मतलब मैंने इतने बढ़िया आदमी को ज़िंदगी में नहीं जानता। उनके बोलने का तरीका इतनी नज़ाकत थी उनमें, हमेशा सबके साथ इतने हल्की आवाज़ में बोलना, और तभी भी जब रेडियो पे आते थे तो उनका एक्सप्रेशन कमाल का होता था। और जब आप कभी भी अमीन साहब से कभी उनको मैंने कभी उनकी आवाज़ बढ़ते हुए कभी नहीं सुना मैंने, और बहुत ही पोलाइट और बहुत ही अच्छे आदमी, तो सबको इतने इतने वॉर्म्थ और प्यार से मिलते थे कि आप देख सकते हैं। मतलब अमीन साहब का नाम तो वो सम्राट थे, मतलब रेडियो के सम्राट थे। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज दुख का भी दिन है, लेकिन मेरा सौभाग्य भी है कि मैं ऐसे इंसान को मैं मिल सका अपनी ज़िंदगी में। तो इसका मुझे बहुत बहुत गर्व है, बहुत खुशी है। और आप सबका धन्यवाद। और अमीन साहब को आप तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उनके परिवार को मैं प्रणाम कहता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू सर। क्या है भैया? जी आवाज़ की दुनिया के जिसको कहने चाहिए सरताज अमीन सैनी जी के साथ यहाँ पे आके मैंने सोचा नहीं था कि उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर होगा, मुझे देखने को मिल जाएंगे। भारत की समझिए एक आवाज़ चली गई, ये तो सभी को मालूम है। जब हम बच्चे थे तो
बिना कमाला की सोलहवीं पायदान से और पहली तक सिर्फ अमीन साहब की आवाज़ के साथ टिके रहते थे। और पर्सनली मेरा पारिवारिक रिश्ता था, मैंने उनके साथ कई प्रोग्राम भी किए हैं। अब लग रहा है कि एक वैक्यूम है। क्या होता है, आवाज़ से रिश्ता बनाना बहुत बड़ी बात होती है। जिनको आप देखे नहीं वो लोगों की धड़कन और दिल की, ऐसे थे अमीन साहब। तो मैं उन्हें बहुत बहुत अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। थैंक यू। सारी दुनिया की यादें उनसे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो आवाज़ तो सदियों ज़िंदा रहने वाली है, वो कभी जा ही नहीं सकते। पर उन्होंने कितना दिया, मैंने आज उनका सुना था, उन्होंने कहा मेरी वैसे आवाज़ अच्छी नहीं है पर मैं दिल से दिल की बात दिल तक पहुंचाता हूं। रियली, क्यों उस समय सोचिए जिनकी शक्ल आप नहीं देख रहे हैं वो आपके दिल में घर कर जाए। उनका प्रोग्राम बंद हुआ तो लाखों लोग रोए थे, और हमारा मुझे प्यार भी उनका मिला है। मेरी लड़की की शादी में भी आए थे, तो अभी लग रहा है हमारे सर से एक हाथ ही नहीं हटा, हमारी खुद की आवाज़ चली। थैंक यू।